ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक स्मार्ट वॉच। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोई भी ब्रांड नहीं है इस स्मार्ट वॉच का, लेकिन अगर आपको एक बजट स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें एक ब्रांड स्मार्ट वॉच के काफ़ी सारे फीचर्स, साथ ही साथ फिटनेस बैंड के जितने फीचर्स वगैरह आते हैं और स्मार्ट वॉच के भी जितने सारे फीचर्स आते हैं वो सब आपको एक बजट स्मार्ट वॉच में मिल जाए, तो 700-800 के रेंज में ये एक स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया वॉच कह सकते हो आप है। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच ब्रांड के लेने जाते हो तो आपको मिनिमम अपने पॉकेट में 2000 से 2500 रुपये रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको कोई ढंग की वॉच मिल पाएगी। तो स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया एंड मैं आपको डेफिनेटली इसे प्रेफर करूँगा कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक बजट स्मार्ट वॉच है और काफ़ी सारे इसमें एडवांस फीचर भी हैं जो आपको एक ब्रांड स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वॉच के फंक्शंस वगैरह को, इसमें क्या खास बात है, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। ओके, तो अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अनएक्सपेक्टेड सा बॉक्स देखने को मिलेगा। मतलब कि ये बॉक्स ऐसा है कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको ऐसे बॉक्स में वॉच देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका यार वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, मैक्सिमम 20 से 25 ग्राम की ये वॉच है। बट कोई बात नहीं, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मेन इसके फंक्शंस वगैरह से मतलब है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल सा बॉक्स मिलता है एंड अगर बॉक्स के अंदर बात करें क्या चीज़ें हैं, तो बॉक्स के अंदर किसी टाइप का कोई मैनुअल वगैरह नहीं है जो मतलब बुक्स वगैरह हमें दी जाती है पढ़ने वढ़ने के लिए, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। नॉर्मल सी आपको यहाँ पे वॉच है, चार्जिंग केबल एक दे रखी है और स्ट्रैप्स दे रखे हैं। तो अगर इनके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। जो स्ट्रैप्स हैं वो प्लास्टिक्स के हैं, बहुत बढ़िया नहीं है बट इस प्राइस रेंज में यार क्या चाहोगे आप, ठीक ठाक ही है। अब स्मार्ट वॉच पे आते हैं, स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ी नहीं है बट एक एवरेज स्क्रीन साइज है एंड अगर चार्जिंग पार्ट की इसकी बात करें तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मली इसके स्ट्रैप को निकालने हैं एंड यहाँ पे जो केबल आपको दे रखी है इसमें अटैच करना है और कोई भी आपके पास चार्जर वगैरह हो तो उसमें आप लगा दो, आराम से चार्ज होने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, मैंने इसमें चार्ज में लगा दिया है और आपको एटलीस्ट 2 घंटे फुल चार्ज करने के लिए इसको चार्जिंग सॉकेट में लगाना पड़ेगा कि 2 घंटे आप चार्ज में लगाओ तो फुल चार्ज हो जाएगी। एंड बैकअप की बात करें तो 2 दिन तक आराम से चल जाएगी अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो। अब ऐसा भी नहीं कि दिन भर सेंसर ऑन करके रखोगे यार तो 2 दिन चलेगी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 2 दिन तक आराम से चल जाएगी। अगर सेंसर्स की बात करें तो 2 सेंसर मिलते हैं यहाँ पे आपको, हार्ट रेट सेंसर और मोशन सेंसर, जो कि काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है और आपको एक एक्यूरेट डाटा देते हैं आपके स्मार्टफोन पे या फिर स्मार्ट वॉच पे। अब इसके टच डायल पे बात करें तो ये स्मार्ट वॉच जो है वो स्क्रीन टच बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपको एक नीचे साइड में एक बटन नहीं कह सकते उसको, एक टच बटन है एंड उसी बटन से पूरी स्मार्ट वॉच ऑपरेट कर सकते हो आप। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो एक एक स्टेप आगे जाएगा एंड अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो आप फंक्शन एक्टिवेट करना चाहते हो वो एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि मैं अभी हार्ट बीट देखना है मुझे तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो सेंसर इसका स्टार्ट हो चुका है बैक में एंड यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ऐसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है, बिल्कुल भी तामझाम वगैरह वाली चीज़ नहीं है। तो अभी स्ट्रैप्स वगैरह लगा के इसमें देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा है, पहनने के बाद कैसी लगती है। तो अभी आप देख सकते हो मतलब एक काफ़ी प्रोफेशनल सा लुक आता है। और मुझे एक खास बात लगी इस वॉच की कि ये स्मार्ट वॉच जो है वो ब्रांड स्मार्ट वॉच की कॉपी की गई है, जो कि बुरी चीज़ नहीं है यार। आपको 700-800 के रेंज में एक स्मार्ट वॉच प्रोवाइड की जा रही है तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसे, और काफ़ी कूल सा दिखता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है, क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट में पूछो, जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अब इस स्मार्ट वॉच को ऑपरेट करने की बात करते हैं तो आप इसे यहां से भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली टच पैड से, और अपने स्मार्ट वॉच से भी ऑपरेट कर सकते हो। लाइक इसका एक एप्लीकेशन आता है, एक नहीं 2-3 एप्लीकेशन से आप कोई भी इंस्टॉल कर लो आपको जो पसंद है। तो जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो फिट प्रो करके एप्लीकेशन है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, अदरवाइज यहाँ पे एक बार कोड भी देगा आपको स्मार्ट वॉच के अंदर, उसे स्कैन करो एंड जो एप्लीकेशन आपको वो दिखा रहा है डाउनलोड करने को उसे डाउनलोड कर लो। जितने भी उसके इंटरफेस हैं, जो भी सब चीजें हैं, सब उस एप्लीकेशन में आ जाएगी कि आपके हार्ट बीट के क्या हाल चाल है, आपकी रनिंग के क्या हाल चाल है, आपने कितना किलोमीटर दौड़ रखा है और बाकी सारी चीजें जो कि फिटनेस ट्रैकर में शो करता है, वो सारी चीजें उस एप्लीकेशन में शो कर जाएंगी एंड यहाँ पे भी शो करेगी जैसा कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। अपने बात करें नोटिफिकेशंस की तो आपके स्मार्ट वॉच में जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक इंस्टा हर चीज की नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्ट वॉच में मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको कॉल वगैरह आएगी तो उसकी भी नोटिफिकेशन मिलेगी, बट आप ना ही एक्सेप्ट कर सकते हो कॉल ना रिजेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई चीजें नहीं है। एंड मैक्सिमम स्मार्ट वॉचेस में ये फंक्शंस होते हैं कि आप कॉल को रिजेक्ट कर लो बट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन वगैरह नहीं होता है, आप रिप्लाई कर सकते हो मैसेज में कि हाँ मैं बिजी हूँ या फिर ये काम कर रहा हूँ जो भी है, बट इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है। तो कोई बात नहीं, इतना चलता है यार। इसके और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप स्मार्ट वॉच में अलार्म सेट कर सकते हो, आपकी स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्टफोन अगर मिल नहीं रहा है तो आप दोनों में से भी किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इसमें है। आपको यहाँ पे मैसेज पुश का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहते हो या फिर किसके नहीं चाहते हो, वो सारे यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल
अवेलेबल है। एंड यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी है कि ये सारी चीजें आप अपने स्मार्टफोन के एप्लीकेशन से ऑपरेट करोगे, लाइक रिमोट टेक फोटो, अपने स्मार्टफोन के कैमरे को कंट्रोल करना, अलार्म वगैरह सेट करना, स्मार्टफोन को फाइंड करना कि कहीं कहाँ गुम हो गई है, जो भी है, ये सारी चीजें आप स्मार्टफोन से ऑपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके डायल सेटिंग की, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे वॉलपेपर्स कह सकते हैं या फिर डायल पैड कह सकते हैं मिल जाते हैं। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपको 40 से 50 यहाँ पे डायल मिलते हैं जिन्हें आप सेट कर सकते हो, एंड काफी इंटरेस्टिंग से है। इनफैक्ट अमेजिंग थिंग ये है कि आप अपनी खुद की पिक भी यहाँ पे इसके होम स्क्रीन वॉलपेपर जिसे कहते हैं आप वहाँ पे लगा सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट आप जब स्टार्ट करोगे स्मार्ट वॉच को तो इसमें कोई भी टाइम वगैरह डेट वगैरह सेट नहीं होता है। जब आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगी उसके बाद जितने भी इसमें लाइक डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सारे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ओके, तो अगर ओवरऑल स्मार्ट वॉच की बात करें तो ये एक काफी बजट स्मार्ट वॉच कह सकते हो आप है। हाँ, कोई ब्रांड नहीं है इसका, लेकिन अगर आप ब्रांड के पीछे जाते हो तो मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि आप अपने पॉकेट में 2500 रुपया रख लेना, उसके बाद ही किसी ब्रांड के पीछे जाना, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब 700-800 के बीच में ही रहते हैं हमेशा, कभी कभी उससे भी नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इस स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि मैंने आपके साथ बिल्कुल फ्रैंकली शेयर कर दी है, और मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ बताने की मुझे जरूरत है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो यार, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसे अपडेट्स के लिए, और आप कमेंट करो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट करो उसे। सो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट के साथ, एक और नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।